कन्नौज कलेक्ट्रेट में पहुंचे बहुजन क्रांति मोर्चा के पदाधिकारियों ने ज्ञापन दिया। बहुजन मुक्ति क्रांति के जिला अध्यक्ष मनोज भारत ने कहा कि हाथरस में जो कांड हुआ है वो बेटी अनुसूचित जाति की थी, जिसमें अभी तक 3 दोषियों की गिरफ्तारी हुई है, मगर अभी 1 गिरफ्तारी नहीं हुई है, उसे तत्काल गिरफ्तार किया जाए, दरिंदों पर पास्को एक्ट लगाकर उन पर कड़ी कार्यवाही की जाए। आज हाथरस में जो विवश घटना हुई है, जिसमें ये साफ साफ दिख रहा है कि कानून के ही रखवाले हैं, कानून का ही दुरुपयोग कर रहे हैं, तो समझ लेना चाहिए कि देश या घर या राज्य कोई भी सुरक्षित नहीं है। तो हमारी यही मांग है, देश में न्याय और मानवता प्यार स्थापित हो। मानवता को स्थापित करने के लिए बहुजन समाज के लोगों को उठ खड़ के और जागरूक होकर के अपने हक अधिकार के लिए, अपने मान सम्मान के लिए, अपने संविधान के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने जीवन की रक्षा करने के लिए हम सबको जागरूक होकर आगे बढ़ना होगा। ये जो हाथरस और आजमगढ़ तथा भदोही में जो रेप की घटनाएं हो रही हैं, शासक वर्ग द्वारा तमाम और देश में भी घटनाएं हो रही हैं, हमारे कई राज्यों में, पूरे देश में ऐसे ही चल रहा है, तो इसके विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज कहाँ आप लोग आए थे? आज कलेक्ट्रेट में आए थे। क्या मांगे हैं आपकी? मांगे हमारी ये हैं कि जिन लोगों ने ये घटनाओं को अंजाम दिया है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो और उन्हें फांसी की सजा दी जाए तुरंत। योगी सरकार को उन दरिंदों को पकड़कर फांसी की सजा देनी चाहिए। बहुजन क्रांति मोर्चा की मांग है कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता और नौकरी देनी चाहिए। योगी सरकार पूरी तरह से फेल नजर आ रही है, तानाशाही की सारी हदें पार कर दी हैं। पीड़ित परिवार से मिलने के लिए मीडिया बंधुओं को भी रोका जा रहा है, उनके साथ भी पुलिस अपना अमानवीय चेहरा दिखा रही है। जो सच दिखाते हैं उनको भी सच दिखाने नहीं दिया जा रहा है। अगर जल्द से जल्द आरोपियों पर कड़ी कार्यवाही ना हुई तो हम लोग देश में बड़ा आंदोलन करेंगे। द पंचौरा न्यूज़ के लिए कन्नौज से मुजाहिद मजीदी की रिपोर्ट। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जुड़े रहिए अपने शहरों की खबरों के संसार के साथ, पंचौरा न्यूज़ के साथ।